नमस्ते फ्रेंड, फरहान कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सीएससी में जो प्रॉब्लम आ रहा है करंट अकाउंट खोलने पे। आइदर जो यहाँ देख सकते हैं, आइदर योर रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट डन और इट इज़ अप्रूव। वंस इट इज़ अप्रूव, यू विल बी एबल टू ओपन योर करंट अकाउंट। तो ये जो मैसेज आ रहा है दोस्तों, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। तो ये मैसेज जो आ रहा है, मेरा ये जो वीडियो है, इस वीडियो में बहुत सारा व्यूअर्स, बहुत सारा वेली भाई मेरा जो है, वो लोग मुझे कमेंट पे बता रहा था कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम जो है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल्स आप लोगों को बताऊँगा। तो ये पूरा डिटेल्स में जो आपको बताऊंगा, ये जानना है तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस रेड कल दबा के। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर कोई नया दोस्त, नया वीएली मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उसको कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी फ़ायदेमंद वीडियो मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए सीएससी वीएली जो है उसके करेंट अकाउंट इंडसइंड बैंक में ओपन करने के लिए एक वीडियो बनाया था। ये वीडियो मैं पब्लिश किया था 24 तारीख को, और तभी मुझे इतना कमेंट मिला है। और सभी का एक ही प्रॉब्लम है, आइदर योर रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट डन और इट इज़ अंडर रिव्यू। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये आपका बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगा। आपका जो नया आईडी है, वो नया आईडी अभी रिव्यू में है। अभी उसको रिव्यू करने के बाद जो है, आपको ओएमटी आईडी जनरेट कर देगा और जो है आपको बहुत ही जल्द आपका भी ये करंट अकाउंट खोलने का ऑप्शन खुल जाएगा। दोस्तों इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगा आप लोगों को। अभी बार बार चेक करते रहिए, एक दो दिन बाद बाद चेक करते रहिए, शायद आपका खुल जाएगा। तो मैं शायद नहीं, आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोगों का भी होगा। मेरा हुआ है इसीलिए कि मेरा पुराना आईडी है, और जितना भी पुराना आईडी है, सभी वीएली भाई का जितना भी पुराना आईडी है, उसका तो अभी करंट अकाउंट एप्लीकेशन हो जाएगा, लेकिन जितना भी नया आईडी है उसका यही जो प्रोसेस में जाएंगे तो यही मैसेज दिखाएगा, आइदर योर रजिस्ट्रेशन इज नॉट डन और इट इज़ अंडर व्यू। सो आप लोग चिंता मत कीजिए, आपका भी हो जाएगा, आपका भी बहुत जल्द रिव्यू जो है वो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए ईकेवाईसी खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों मेरी ये जानकारी जो है और आपका कमेंट का आंसर मैं इसमें ही दे दिया। तो अगर हमारी चैनल अच्छा लगता है आप लोगों को, तो वीडियो जो है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर विजिट फरहान कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल। थैंक यू, वंदे मातरम।